हरीम बेटा अभी तक टीवी देख रहे हो आप? नहीं मम्मी बस थोड़ी देर। चलो अभी सोने का टाइम हो गया, नाया के साथ सुबह में देख लेना। नहीं मेरी जान बहुत लेट हो गया है ना, चलो फौरन मम्मा के कमरे में जाओ। नहीं सुबह नाया के साथ देखना, देखो कितना लेट हो गया, मम्मा के कमरे में जाओ। गुड गर्ल। क्या हुआ हरीम? आप तो टीवी देख रही थी, फिर यहाँ क्यों आ गई? नहीं देखना मुझे टीवी, किसी चीज को टच भी नहीं करना। क्यों? अनाया से झगड़ा हुआ है? मामी ने मुझे टीवी नहीं देखने दिया। इट्स ओके बेटा, टाइम भी तो देखो कितना हो गया, रात हो गई है, सोने का टाइम। आप और बाबा तो मुझे कभी नहीं मना करते थे। ये मेरा घर नहीं है, इसलिए मामी ने मुझसे रिमोट छीन लिया। ऐसे नहीं सोचते, मामी और मामू हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर ये सब लोग तो हमारे अपने हैं, हमें किसी चीज से रोकते हैं तो हमारे भले के लिए। ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। देखो इतना गुस्सा करोगी ना तो मामा रो देंगी। अच्छा प्लीज गुस्सा मत करो, एक अच्छी स्टोरी सुना। अब देखिएगा, एक दिन मामू हमें घर से निकाल देंगे। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। निकाल देंगे मामू। ऐसा कुछ नहीं होगा, मामू बहुत अच्छे हैं, मामू हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसे मामा ने पकड़ लिया जोश, ऐसे ऐसे पकड़ के रखेंगे अपने पास। इतना सा गुस्सा? इतना सा भी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुस्से में आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। गिव मी अ स्माइल। ये आई लव यू। इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। मैं इतना भी नहीं। गुड।